हेलो दोस्तों, तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को हम जो है नैनो यूरिया जो प्रयोग किया जा रहा है उसके जो है प्रक्षेत्र प्रदर्शन में आए हुए हैं। तो किसान से आपका हम फीडबैक आपको दिलाते हैं कि उन्होंने अपनी फसलों पर नैनो यूरिया का प्रयोग किया था और साथ ही साथ क्या रिस्पॉन्स रहा, उनसे पूरा परिचय पर कराते हैं और आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दिलाते हैं कि नैनो यूरिया जो अभी आप इस समय जनपद में बहुत तेजी के साथ जो है विभाग के द्वारा और शासन के द्वारा जो है तैयारी की जा रही है यूरिया के लिए जो है प्रयोग किया जा रहा है नैनो यूरिया नैनो डीएपी पर, उस पर क्या किसानों का रुझान है ये भी आपको बताएंगे। और अगली फसल जो रबी के सीजन आने वाला है उसमें किसान पहले से कितना इसमें जो है अपना जो है भूमिका निभाते हैं, कितना इस पर विश्वास करते हैं, उसके बारे में आपको इसी वीडियो में पूरी जानकारी दिलाते हैं। तो किसान भाई से आपको परिचय कराते हैं। किसान भाई नमस्कार। नमस्कार भाई जी, अपना परिचय दीजिए। पर सुरेंद्र कुमार यादव। सुरेंद्र कुमार यादव जी हैं जी। आपका कौन सा गांव लगता है, ये कौन सा ग्राम सभा है? सराय भागवानी है। सराय भागवानी है, ये गौरीगंज किस ब्लॉक में पड़ता है? ये गौरीगंज ब्लॉक में। गौरीगंज ब्लॉक में तो आप जो है सराय भागवानी के रहने वाले हैं। तो आपने कौन ये जो है धान की फसल जो है लगाई हुई थी, तो इसमें आपने नैनो यूरिया प्रयोग किया था? हाँ, नैनो यूरिया का जो है आपकी तरल में किया गया पहली बार। जी, पहली बार आप कर रहे हैं नैनो यूरिया तरल का प्रयोग कर रहे हैं। तो नैनो यूरिया तरल का प्रयोग जो है आप कब किए थे इस फसल में? अब धान लगने के बाद जो है जी 35 दिन के बाद जो है जी जी इसको ड्रोन कैमरे से जी जी ड्रोन से आपने स्प्रे कराया जी, हुआ जी, ड्रोन से जी। जैसे किसान बता रहे हैं कि जो है 35 से 50 दिन जो सेकंड ट्रॉप ड्रेसिंग होती है, पहली ट्रॉप ड्रेसिंग होने के बाद यूरिया की, दोबारा अगर किसान जो है उन्होंने नैनो यूरिया का प्रयोग किया हुआ था अपनी फसलों पर और साथ ही साथ है कि वो ड्रोन के माध्यम से जो नई तकनीक है, नई व्यवस्था है, उसके द्वारा जो है ड्रोन के माध्यम से जो है स्प्रे इन्होंने किया हुआ था। तो ड्रोन का जब आपने स्प्रे किया हुआ था तो इसमें ये कितने एरिया में लगा हुआ है ये धान आपका? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में धान लगा हुआ, तो 1 एकड़ में आप कितना नैनो यूरिया प्रयोग किए थे? पर एक बोतल किए थे। एक बोतल आपने प्रयोग किया था। तो जब अभी तक आप जो इसमें दानेदार यूरिया प्रयोग कर रहे थे इसके पहले, तो उसकी अपेक्षा अब जब आपने नैनो यूरिया प्रयोग किया सेकेंड ट्रॉप ड्रेसिंग में, क्या आप अंतर देख रहे हैं अपनी फसलों पर? अंतर तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। अंतर बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो जैसे कुछ बताना चाहेंगे, जैसे उत्पादन को लेकर या रोग प्रतिरोधक क्षमता या कीड़ों के प्रति, क्या आप इसमें देख रहे हैं नैनो यूरिया से? अब देखा ये जा रहा है कि इसमें बाली भी अच्छी है, दाने भी ठीक ठाक हैं। जी जी जी। और पैदावार भी बढ़िया दिख रही है। जी जी जी। रोग भी नहीं लगे हैं विशेष। जी जी जी। और बाकी दाने वाले पिछले साल की अपेक्षा इस समय ज्यादा अच्छे हैं। ज्यादा अच्छे जी जी। जैसे किसान बता रहे हैं कि जो नैनो यूरिया जो सेकंड ट्रॉप ड्रेसिंग हुई थी उसमें जब इन्होंने प्रयोग किया हुआ था, तो उसकी जो है बालियों की साइज के साथ साथ इसमें किसी प्रकार के मक्खी के भी रोग नहीं लगे नहीं हैं और स्प्रे किया गया था। उत्पादन भी बहुत अच्छा है, आप दाने की चमक भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो एक खास बात यह भी है कि ये फसल जो है नैनो यूरिया अगर सेकंड ट्रॉप ड्रेसिंग में आप प्रयोग करते हैं, फसल गिरती नहीं है किसी तरह से, जो है फसल पूरी तरह से खड़ा रहता है और ये गिरती नहीं है। जैसे आप अगर दानेदार यूरिया प्रयोग करते थे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं क्या होता है कि फसलें जो है ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से, अगर उसकी मात्रा ज़्यादा आप यूरिया डाल देते हैं दाना वाली, तो वो गिर जाती है। जैसे ही वजन आता है पौधों में या बालियों में आता है, वो पौधे गिर जाते हैं। लेकिन नैनो यूरिया से इससे जो है बचा जा सकता है और उत्पादन जो आपको आगे चल के कटाई के साथ साथ और चीज़ों में जो है वो आपको लाभ मिलता है। तो किसान भाई आप ये बताएं, इस बार आप नैनो यूरिया से संतुष्ट हैं? संतुष्ट पूरी तरह से। जी जी। आने वाली अब जो ऐसे नई फसल आने वाली है, रबी का सीजन शुरू होने वाला है, आलू हो गया, चना हो गया, मटर हो गया या गेहूं की बुआई हो गई, उसमें आप नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का जो है प्रयोग करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का प्रयोग करना प्रयोग करेंगे, इसका लाभ जी 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 रहा है। जी, किसान भाई बता रहे हैं कि वो नैनो यूरिया और नैनो डीओपी का जो है रबी के सीजन में पूरी तरह से शुरुआत से ही वो अपना पूरी फसलों में जो है व्यवस्थित प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद जो है और ये प्रयोग करने के साथ साथ ही अपने जो किसान भाई देख रहे हैं, आप किसान भाइयों से क्या आग्रह करेंगे, किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे नैनो यूरिया नैनो डीओपी के लिए? तो यही सलाह देंगे कि नैनो यूरिया और नैनो डाई से ज्यादा पैदावार है। जी जी जी। थोड़ा सा ड्रोन कैमरे से छिड़काव हो जाए तो इसका दोगुना लाभ मिलता है। जी जी जी। और सबसे अच्छा रहता है। जी जी जी। कम लागत में ज्यादा लाभ मिल जाता है। जी जी। कम लागत में ज्यादा लाभ मिल जाता है, जैसे कि जो है प्रचार में भी किया जा रहा है, ज्यादा ज्यादा प्रोत्साहन किया जा रहा है। और जैसे अभी आप बोरी वाली यूरिया या डीएपी आप प्रयोग कर रहे थे, उसमें खर्च और इसके खर्च में आप क्या अंतर देखते हैं दोनों? आधे का अंतर है। आधे का अंतर है, आप आधे का अपना खर्च भी आधा कर सकते हैं और मुनाफा उससे ज्यादा आपको मिल रहा है। तो आप लोगों को आग्रह करते हैं कि आप नैनो डीएपी नैनो यूरिया का जो रबी का सीजन आ रहा है उसमें शुरुआत से ही आप व्यवस्थित तरीके से पहले से ही फीड ट्रीटमेंट से लेकर आप स्प्रे से लेकर दूसरे में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो
जो भी हमारे या जो अभी रबी के सीजन में जो गेहूं की बुआई होगी उसमें आप नैनो यूरिया नैनो डीएपी का राइट हाँ, ये चूंकि अब हम इसका लाभ पा गए हैं जी अभी इसको छोड़ नहीं सकते हैं, आगे वाले समय में नैनो यूरिया नैनो डाई का ही जमाना होगा जी इसी से ही बराबर लाभ मिलता रहेगा, किसान को हमेशा लाभ मिलता रहेगा जी। और जो ड्रोन का जो व्यवस्था की गई है, जो जनपद में ड्रोन की व्यवस्था की गई, उसका आप लोग लाभ मिल रहा है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं, उससे बढ़िया लाभ मिल रहा है जी। क्योंकि धान कितना भी बड़ा हो जाए फिर भी ऊपर से छिड़काव हो जाता है जी, कहीं लगना नहीं रहता है, धान टूटना नहीं रहता है जी। उससे बढ़िया लाभ मिलता है जी। पहले जो लेबर चार्ज होता था या लेबर ढूंढने पे नहीं मिलते थे, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और उसमें जो है आपको हिलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेबर की वजह से बहुत सारी समस्याएं आती थी, नहीं प्रयोग हो पाता था। इसलिए से जैसे आप इसमें प्रयोग करेंगे ड्रोन के माध्यम से, तो वो जो है उसका लाभ भी ज्यादा मिलेगा और साथ ही साथ जो है कम खर्च में ज्यादा उत्पादन होगा। इतना समय देने के लिए किसान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।